हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इसकी पिछली वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10 की क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। उसके आगे के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। आप सभी अपना अपना बुक और पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है इसमें। एक सेट दिया है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 में सिद्ध करना है आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तीनों संबंध हो, ऐसे संबंध को कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, जहां रिलेशन क्या है, किसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना, आर को। आर क्या है, आर इक्वल टू ए कमा बी सदैव ए माइनस बी सम है। ठीक है, इतना पहले बात करते हैं। आइए तो पहले ये है हमारा सेट। हमें सबसे पहले हमें तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले चेक करना होगा स्वतुल्य संबंध, चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। पहले स्वतुल्यता चेक करेंगे, फिर संक्रामक चेक करेंगे, फिर सममित चेक करेंगे। उसके बाद अगर तीनों सत्य है तो कहेंगे ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, ये जो संबंध है तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आइए पहले चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। हो सकता है मैं दिख रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे हैंड है इधर दिख रहा होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो स्वतुल्यता संबंध होने के लिए प्रतिबंध क्या है, यदि कोई भी क्रमिक युग्म ए कामा ए स्वयं के साथ अगर रिलेशन दिखाता है और वो आर से संबंधित है, ए कामा ए बिलोंग टू आर कर रहा है, तो संबंध स्वतुल्य होता है। आइए चेक करें, क्या ऐसा कोई एग्जांपल है इसमें। जैसे देखिए, इसमें अगर हम आर लें, जैसे कोई क्रमिक युग्म लेते हैं 1, 1, तो 1, 1 की बात करें तो 1 - 1 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर आंसर क्या आएगा, 0, शून्य। शून्य क्या एक सम है, हाँ यह एक, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है कि ए माइनस बी सम है, यही रिलेशन है, इसी को प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो हमें एक क्रमिक युग्म लिया ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो ए कामा एक मतलब क्या है, इसको रिलेशन के हिसाब से अगर तोड़े, मतलब रिलेशन क्या है कि इतना 0 ये 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 भी क्या है, सम है, सम है ना। इसका मतलब जो ए कामा ए है, 1, 1 है, ये आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं फॉर आर नंबर्स, जो चाहे 1, 1 हो, 2, 2 हो, चाहे 2, 2 हो, इसको भी जब 2 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 भी एक सम है, इसका मतलब ये भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। 3, 3 लें, 4, 4 लें, 5, 5 लें, चाहे 3, 3 लें, 3, 3 और 4, 4, 5, 5, ये इतना लें, सब किससे बिलोंग करेगा, आर से। इसका मतलब सभी इस संबंध के नियम को फॉलो करेंगे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो संबंध है ये आर ए माइनस बी सम है, यह एक तुल्यता संबंध है। अतः जब किसी भी रिलेशन का उसी के साथ रिलेशन का भी पालन करें, जैसे कोई अवयव है उस अवयव का उसी के साथ संबंध बनाए और वो इस रिलेशन का फॉलो करे, जो तर्क दिया है इसके बाद तो बिल्कुल फिट बैठे, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्यता संबंध। और इसमें हम देख रहे हैं कि सभी को एक एक के साथ ले रहे हैं, सभी को स्वयं के साथ ले रहे हैं, 0 आ रहा है और 0 एक सम है, इसका मतलब कि यह एक रिलेशन स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार हम लिखे अतः यह संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, एक बात तो हमारे क्लियर हो गई कि यह संबंध स्वतुल्य है। अब हम दूसरा नंबर चेक करेंगे, क्या यह संबंध सममित है, फिर इसके बाद चेक करेंगे क्या यह संबंध संक्रामक है। जब तीनों चेक हो जाएगा तो हम कह देंगे यह जो संबंध है वह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमने स्वतुल्यता संबंध चेक कर लिया। आइए अब इसको नोट कीजिए आप, उसके बाद चलते हैं चेक करते हैं क्या यह संबंध सममित है कि नहीं। इसको नोट करिए, चेक करेंगे सिमेट्रिक, क्या यह सिमेट्रिक है कि नहीं। सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है, चेक सिमेट्रिक मतलब सममित। ठीक है, सममित मतलब उल्टा सीधा एक समान। जैसे ए कामा बी यदि आर से बिलोंग कर रहा है, तो बी कामा ए भी यदि आर से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सममित संबंध। ठीक है, आइए देखते हैं सममित संबंध क्या होता है। सममित संबंध जैसे यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर, तो बी कामा ए भी बिलोंग टू आर होना चाहिए सममित संबंध होने के लिए। क्या आइए देखते हैं क्या ये बात सत्य है। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया ए 1, 2, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो सम आए
पहले तो एक गामा बी का ऐसा एग्जांपल लेंगे जो इस रिलेशन का फॉलो कर रहा हो। तो हम लेते हैं मान लीजिए एक और दो का अगर रिलेशन निकाले तो इसका अंतर निकालेंगे एक आएगा क्योंकि सम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं एक और तीन का रिलेशन लेते हैं, एक और तीन का अगर क्रमित युग्म लिए ठीक है, एक और तीन का क्रमित युग्म लिए तो क्या हमको मिला इसको अगर तोड़ेंगे तो वन माइनस तीन आएगा, वन माइनस तीन मतलब माइनस टू और माइनस टू मतलब टू जो कि ये सम है ना। अतः ये जो वन कामा थ्री है, वन कामा थ्री ये आर से बिलोंग कर रहा है इसके लिए सत्य है ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कोई भी एग्जांपल लें जैसे वन के साथ फोर को लेंगे थ्री आ जाएगा विषम हो जाएगा, तो वन के साथ हम फाइव को लेते हैं, वन के साथ फाइव लें तब देखते हैं क्या इस बात को फॉलो करता है। वन माइनस फाइव करेंगे तो क्या आएगा माइनस फोर आएगा ठीक है, और माइनस फोर के ये मॉडुलस लगा है इसका मतलब ये इसको प्लस कर देगा, इसका निरपेक्ष मान लेंगे यहाँ आ जाएगा फोर और फोर भी एक क्या है सम है ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें तो वन कॉमा फाइव भी बिलोंग करता है किससे आर से। तो एक बात और है अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तब इनका अपोजिट देखें क्या बिलोंग करता है कि नहीं। इसका अगर अपोजिट निकाले हम थ्री का, अब इसको वन कॉमा थ्री था इसका अपोजिट लेते हैं वन, इसका अपोजिट लेते हैं थ्री कॉमा वन देखते हैं पर इसी का चेक कर लीजिए फाइव कॉमा वन। अगर फाइव कॉमा वन ले हम फाइव कॉमा वन तो देखते हैं इसका क्या आता है, तो फाइव माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव माइनस वन करेंगे फोर आ जाएगा, फोर भी क्या है सम है। तो एक प्रकार हमने देखा कि चाहे वन कामा फाइव ले तब भी सम आ रहा था, चाहे फाइव कामा वन ले तब भी सम आ रहा था, मतलब इसका मतलब इसलिए ए कामा बी बिलोंग टू आर तो बी कामा ए इस आर से बिलोंग टू आर, तो उसका अगर उल्टा ले रहे हैं तब भी सम ही आ रहा। अतः हम कह सकते हैं अतः यह संबंध सममित है ठीक है, क्लेम से कट तो नहीं रहा है, यह संबंध सममित है ठीक है। तो यह बात क्लियर हो गई, यह संबंध सममित है ठीक। अब एक बात करें, अब अच्छे करते हैं संक्रामक है कि नहीं, तो संक्रामक के लिए क्या प्रत्यय होना चाहिए किसी तीसरे के साथ रिलेशन दिखाता है, अगर वो तीसरे के साथ भी रिलेशन सत्य है तो हम कहते हैं यह जो संबंध है दिया गया संबंध वह एक संक्रामक संबंध है। आइए चेक करते हैं संक्रामक संबंध, चेक संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव, चेक ट्रांजिटिव रिलेशन, चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहते हैं संक्रामक, संक्रामक ठीक है। संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, तो ये देखिए इसमें क्या है बी और बी कॉमन है, अगर ए बी आर से है और बी सी आर से है तो ए और सी के साथ जो रिलेशन दिखाता है वही है संक्रामक संबंध। तो इसमें होना चाहिए तो ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे ये जो संबंध है वो संक्रामक है। आइए चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सम होने के लिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं वन कामा थ्री का, वन कामा थ्री लेंगे तो देख क्योंकि वन कामा थ्री बिलोंग टू आर, क्यों क्योंकि देखिए वन और थ्री का अगर हम रिलेशन वन और थ्री का अंतर निकाले तो क्या आएगा माइनस टू आएगा, और माइनस टू का फिर ये मॉडुलस करेंगे तो टू आ जाएगा, तो टू क्या है सम है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सत्य है, और एक रिलेशन और हम लेते हैं वन थ्री था तो थ्री और फाइव का लेते हैं, थ्री और फाइव का ठीक है, थ्री और फाइव का भी बिलोंग करेगा आर ठीक है। हमने दो एग्जांपल लिया जो बिलोंग कर रहे हैं, अब इसको निकालें तो क्या आएगा थ्री और फाइव का अगर सबट्रैक्ट करें हम तो क्या आएगा थ्री और फाइव को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू आएगा, और माइनस टू इज इक्वल टू टू ये भी सम है। इसका मतलब ये दोनों रिलेशन दोनों एग्जाम्पल हमने लिया है जो कि फॉलो कर रहा है कि ये क्या है ये दोनों इस रूल से फॉलो कर रहे हैं संबंध से बिलोंग कर रहे हैं। अगर यही तीसरे के साथ भी अगर रिलेशन शो करने लगे मतलब ये इन कॉमन चीजों को अगर हम निकाल दें ये कॉमन चीजों को और इसका और इसके साथ रिलेशन दिखाएं अगर ये सत्य हो जाएगा तो हम कहेंगे ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। आइए चेक करते हैं क्या ऐसा होता है क्या, तो हम इसको लेंगे वन और फाइव का रिलेशन, वन और फाइव कॉमन ले तो इसके जगह क्या करेंगे वन माइनस फाइव निकालेंगे तो क्या आया माइनस फोर आया, और माइनस फोर को तोड़ेंगे तो क्या आया फोर, फोर भी क्या है सम है। अतः हमने एक चीज देखा जब तीसरे रिलेशन के साथ सत्य है, अतः हमने पाया कि ए कामा बी बिलोंग टू आर था और बी कामा सी बिलोंग टू आर था, तो हमने पाया ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब ये जो दिया गया संबंध है इसके शर्त का पालन कर रहा है। अतः ये जो दिया गया संबंध है वो संबंध कौन सा है संक्रामक संबंध है। अतः हमने पाया
चूंकि अब यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि बिकॉज ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, और तब ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ए कामा सी मतलब ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, अतः यह संबंध, अतः यह संबंध हम इधर लिखते, अतः यह संबंध संक्रामक है। मेन चीज क्या निकल के आई कि ये जो दिया गया संबंध था, हमने स्वतुल्य भी सिद्ध किया, सम्मित भी सिद्ध किया, संक्रामक भी सिद्ध किया, तो हमने पाया कि ये जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है, अतः ये दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये बात हमारी पहली बार जो बात प्रूव करने की थी, सिद्ध करिए जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब बात आती है ये तो एक पोर्शन, इसका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पोर्शन दोनों एक ही में दिया गया था, इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि समझाने में आसानी हो। फिर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए इस पर विचार करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, हम दूसरे वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट हो गया, देखते हैं जो सेकेंड वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देखते हैं क्या कहता है। अब इसके दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 की बात करें हम, 1, 3 और 5 इसकी बात करें, तो एक बात हमने देखा, ये जो समुच्चय है ये विषम संख्याओं का समुच्चय है, ये जो संख्या है विषम अवयवों का समुच्चय है, विषम अवयवों का समुच्चय है, अवयवों का समुच्चय। ठीक है, एक बात हम अगर देखें तो हमारा संबंध क्या कहता है, संबंध कहता है अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो समाना चाहिए, मतलब इनके किसी भी अवयव को घटाएं दूसरे से तो समाना चाहिए, यह बात सत्य है क्या। आइए चेक करते हैं, जैसे 1 और 3 को लें, तो 1 और 3 का अगर हम युग्म बनाएं तो क्या आएगा, 1 - 3 इज इक्वल टू क्या आया, -2, जो कि ये मॉड्यूल्स में है, इसलिए इसके बाद निकलने पर क्या आया, 2 आया, सम आया। तो हमने एक बात देखा क्या कि किसी भी दो विषम संख्याओं को अगर एक दूसरे से घटाएं, अंतर निकालें उनका, तो क्या आता है, सम आता है। एक बात तो हमने चेक कर लिया, आइए एक एग्जांपल और लेकर चेक करते हैं क्या ये बात सत्य है क्या। तो हमने लिया 1 और 5 को लिया, तो 1 और 5 का अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या आएगा, 1 - 5 आएगा, 1 - 5 का मतलब 4 आया है, तो 4 का ये मॉडल से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये भी सम आया। एक बात हमने देखा किसी भी दो विषम संख्याओं का योग, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने पाया कि हम जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इन्हीं दो विषम संख्याओं का अंतर विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, किसी भी दो विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होती है, अतः इस समुच्चय में दिए गए सभी अवयव 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित है, अतः 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये बात हमने प्रूफ कर लिया कि एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार हम जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है, इसका सेकेंड वाला पार्ट क्या है कि ये 1, 3, 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित है, तो हमने प्रूफ कर लिया। और जो इसका सेकेंड वाला पार्ट क्या दिया है कि सीधे करो 2, 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, तो जैसे हमने निकाला कि विषम अवयव का समुच्चय था और एक ही अवयव का समुच्चय है, इसके दिए गए सम अवयव का समुच्चय है, तो एक बात हम और भी जान सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि विषम अवयव के समुच्चय पर जो विषम अवयव का अंतर होता है एक सम संख्या
होती है। इसी प्रकार सम अवयव का भी अंतर भी एक सम अवयव ही होता है। जैसे दो और चार का अंतर निकालें तो क्या आएगा, चार दो आएगा, वो भी एक सम संख्या है। चार और दो का अंतर निकालें तब भी वो सम संख्या ही है। इसका मतलब विषम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या होती है और सम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या होती है। अतः इसके अवयव दूसरे से संबंधित है और इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित है। परंतु एक बात और इसने कहा है कि परंतु एक तीन पांच का कोई भी अवयव दो चार के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आइए इस पर विचार कर लेते हैं। एक दूसरा सेट है इसमें तीन और पांच। ये जो पहला वाला है वो विषम संख्याओं का है और दूसरा जो है वो सम संख्याओं का है। इसके सभी अवयव क्या है, विषम है और इसके क्या है, सम। अब सम संख्याओं का विषम संख्याओं से रिलेशन देखें, जैसे वन का तीन के साथ देखें तो वन और तीन का अंतर क्या आएगा, इसका सॉरी ये दो इसे सम सम है, ये दो कामा चार है। तो वन और दो का अंतर निकालें तो क्या आएगा, जैसे वन कामा दो का रिलेशन हम निकालें तो क्या आता है, वन और दो का जो रिलेशन निकालेंगे तो वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन आएगा और माइनस वन के निकालेंगे तो प्लस वन आएगा। लेकिन ये क्या आ गया, विषम आ गया। मतलब हमने एक बात देखा, यह तो सम संख्याओं का विषम संख्याओं से या विषम संख्याओं के सम संख्याओं से अगर रिलेशन निकाले तो संख्या क्या आती है, विषम आती है। मतलब सम संख्याओं का अंतर विषम संख्याओं से या विषम संख्याओं का सम संख्याओं से जो अंतर होता है वो एक विषम संख्या होती है। इसलिए एक तीन पांच और दो चार के अवयव दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमको रिलेशन में क्या लाना है, सम लाना है और आ क्या रहा है, विषम आ रहा है। इसलिए इसके अवयव इसके अवयव से संबंधित नहीं है। या तो विषम संख्याओं को विषम संख्याओं से ही रिलेशन निकाले या सम संख्याओं को सम संख्याओं से ही रिलेशन निकाले, तब तो यह संबंध का पालन करेगा। लेकिन एक विषम संख्या होगा किसी सम संख्या से रिलेशन निकाले तो संबंध का पालन नहीं करेगा। ठीक है, ये थी क्वेश्चन नंबर एट, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें सिद्ध करना आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है अर्थात ये जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यदि ये तीनों संबंध है तो कहेंगे ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। उसके बाद क्या इसमें दिया क्या क्या गया है, ए दिया है, ए क्या है, एक्स बिलोंग टू जेड और एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू ट्वेल्व। इसमें पहला रिलेशन क्या है, किसको सिद्ध करना है, R इक्वल टू ए कामा बी का क्रमिक युग्म बनाना है जिसमें मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो चार का गुणा जाना चाहिए। ये रिलेशन है, इसी रिलेशन को दिया गया रिलेशन है, इसी को हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले हमें तीन संबंध सिद्ध करना पड़ेगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। आइए एक एक करके एक एक को सिद्ध करते हैं। पहला है स्वतुल्य, चेक ट्रांजिटिव, चेक पहले ट्रांजिटिव पहले रिफ्लेक्सिव, चेक रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध पहले चेक करते हैं। और एक बात हम जानते हैं, स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी अवयव का उसी के साथ रिलेशन शो करना, यह है स्वतुल्यता। जैसे x का x के साथ, y का y के साथ। जैसे मान लीजिए हम कोई क्रमित युग्म लेते हैं a कामा a, a कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर ऐसा है तो इसे कहेंगे स्वतुल्य है। आइए चेक करते हैं क्या यह ऐसा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए a से हमको लेना है a बिलोंग टू z और जो x है जीरो से बड़ा और ट्वेल्व से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर a को लिखे हम a के अंतर्गत कितने अवयव आएंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, इतने अवयव आएंगे a के अंतर्गत। और इन्हीं सभी अवयवों से सिद्ध करना है कि ये r एक स्वतुल्यता संबंध है। तो देखिए किसी भी अवयव का उसी के साथ रिलेशन बनाएं, जैसे जीरो का जीरो के साथ बनाएं और दोनों को सेपरेट करेंगे तो जीरो आएगा। मतलब जीरो भी चार का ही गुणज होता है। चार के गुणज की बात करें तो चार के गुणज का अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इस अवयव के अंतर्गत चार के गुणज कौन कौन से हैं। इस अवयव के अंतर्गत चार का गुणज है जीरो है, वन तो है नहीं, टू है, फोर है, फिर एट है और ट्वेल्व है। तो इतने चार के गुणज हैं, मतलब इन सभी में से आना चाहिए। तो देखिए अगर किसी भी अवयव का उसी के साथ अगर घटाएं, जैसे जीरो का जीरो के साथ घटाएं जीरो आना चाहिए, मतलब ये भी चार का गुणज है।
एक के साथ घटाएं जीरो है, मतलब किसी भी संख्या का उसी की संख्या के साथ अगर घटाएं अंतर निकालें तो शून्य आएगा, और शून्य भी चार का गुणज है। अतः जो दिया गया संबंध है वो क्या है, समतुल्य है। आइए इसी बात को लिख देते हैं, क्योंकि यहां लिखेंगे हमने लिख दिया a कॉमा a विराम को r, क्योंकि a कॉमा a इक्वल टू होता है, हमने संबंध के हिसाब से देखें तो a माइनस a और इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या है, चार का गुणज है, यह चार का गुणज है। और सभी संख्याओं के लिए चाहे जितने भी, अगर हम इसमें से एग्जांपल लें, चाहे जैसे जीरो कामा जीरो ले लें, या वन कामा वन ले, या टू कामा टू ले, जितने भी हैं सब, ट्वेल्व कामा ट्वेल्व, सब बिलोंग कर रहे हैं इससे आर से, मतलब सबको अगर अंतर निकालने शून्य आना चाहिए, मतलब सबका चार का गुणज है। अतः यह दिया गया संबंध क्या है, अतः यह संबंध चतुर्य, ठीक है, चतुर्य है। आइए अब चेक करते हैं दूसरी रिलेशन, दूसरा रिलेशन क्या है, सममित संबंध, इसको आप नोट कीजिए, देखते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध होने के लिए क्या प्रतिबंध है, तो उसका उल्टा भी सत्य होना चाहिए, मतलब a कामा b अगर r से बिलोंग कर रहा है तो उसका क्रम अगर बदल दें, जैसे b कामा a भी r से बिलोंग करना चाहिए, अगर ये बात सत्य है ये संबंध सममित है, ठीक है। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, चेक सिमेट्रिक सममित संबंध, ठीक है। आइए सममित संबंध होने के लिए प्रतिबंध क्या होना चाहिए, a कामा b बिलोंग टू r, तो b कामा a भी बिलोंग टू r होना चाहिए। आइए कोई दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर इसमें ऐसा लिखे हम, अगर दिया कोई एग्जांपल है a कामा b बिलोंग टू r, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें हमारे इस संबंध के अनुसार, ए माइनस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी सम है, ठीक है। तो अगर इसी को ले हम ए माइनस बी को ले और इसमें माइनस कॉमन कर लें, क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और बी माइनस ए जो माइनस है, ये क्योंकि माड्यूस के लगे होने के कारण प्लस हो जाएगा, अर्थात बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक। बी माइनस ए मतलब ये सम था, ये भी तो सम हो गया है, किसी भी संख्या में माइनस कॉमन लेने से भी तो सम होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो ए कॉमा बी विराम टू आर थे, इसलिए इसको इसका भी ले सकते हैं, अगर ये बी माइनस ए सम है, इसका मतलब बी कॉमा ए भी सम, बी कॉमा ए भी विराम करेगा किससे, आर से। अतः अगर ए कॉमा बी विराम टू आर, बी कॉमा ए भी विराम कर रहा है आर से, अतः ये दिया गया संबंध क्या है, सममित संबंध है। आइए इसके एक एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.5 का, क्योंकि इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो मान लीजिए हमने लिया 1.5 बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1-5 इक्वल टू क्या आएगा, -4 आएगा, तो -4 तो माइनस से होने के कारण प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और 4 क्या है, 4 का गुणज है, ठीक। इसका उल्टा देखिए क्या सत्य होता है, क्या 5.1 लिखे, ये जो दिया गया संबंध है इसको उल्टा कर लें, क्रमों को बदल लें, तब देखें क्या संबंध आता है, क्या आएगा, 5.1 आएगा, तो देखिए इसके लिए ये बात सत्य है क्या, तो इसका मतलब क्या आएगा, 5 माइनस वन क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 क्या है, 4 का गुणज है, गुणज मतलब जैसे 4 की टेबल में आया, जो 4 से कट जाए वही उसका 4 का गुणज है, ठीक है। अतः हमने देखा a कॉमा b बिलोंग टू r, तो b कॉमा a भी r से बिलोंग कर रहा है, अतः ये दिया गया संबंध क्या है, सममित संबंध है। अतः हम लिख देंगे अतः यह संबंध सममित है, ठीक है। आइए अब चेक करते हैं थर्ड रिलेशन क्या है, संक्रामक संबंध, चेक ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। चेक ट्रांजिटिव होने का प्रतिबंध क्या है, यदि a कॉमा b बिलोंग टू r एंड b कॉमा a इज आल्सो बिलोंग टू r, देन a कॉमा c बिलोंग टू r, मतलब a b के साथ रिलेशन, b का c के साथ रिलेशन है, तो a और c के साथ भी अगर रिलेशन बन रहा है, तो ऐसे संबंध को क्या संबंध कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे, ठीक है। तो चेक ट्रांजिटिव
संक्रामक, संक्रामक संबंध, ठीक है। आइए चेक करते हैं, संक्रामक संबंध होने के लिए ए विराम टू बी, ए कॉमा बी विराम टू आर होना चाहिए, मतलब ए कॉमा बी विराम टू आर होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है, ए और बी को अंतर निकाले तो एक सम संख्या आना चाहिए, सम संख्या, सम संख्या सारे चार का गुणज है, इसमें रिलेशन है चार का गुणज, ए माइनस बी चार का गुणज है, ठीक है। अब बी कॉमा सी का रिलेशन भी है, बी कॉमा सी विराम टू आर का क्या तात्पर्य होना चाहिए, बी माइनस सी इक्वल टू फोर का गुणज, बात करें हमने देखा ए और बी का रिलेशन निकाला तो फोर का गुणज आया, बी और सी का भी रिलेशन निकाला तो फोर का गुणज आया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। अगर ऐड में एक बात बताई, ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको निकालें तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी आएगा। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये बी बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी। और एक बात आप जानते हैं, किन्हीं भी अगर दो, कोई भी दो संख्याएं हैं जो चार का गुणज है, अगर उनको जोड़ें तब भी चार का गुणज ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, मान लीजिए इसमें फोर का गुणज है टू, और इसमें फोर टू नहीं होगा, इसमें फोर का गुणज टू नहीं है, फोर का गुणज है फोर और फोर का गुणज है एट, ठीक है। फोर और एट को अगर हम एड करें तो क्या आएगा, ट्वेल्व, ये भी क्या है, फोर का गुणज है। मतलब कि ये दो अगर गुणज को ऐड करें तो भी एक गुणज ही आता है। इस बात से हम देखें तो a माइनस बी और b माइनस सी को हमने ऐड किया था तो क्या है, a माइनस सी, तो यह भी फोर का गुणज होगा, फोर का गुणज होगा, ठीक है। कितनी बात क्लियर है, यदि फोर का गुणज है इसका मतलब क्या है कि a कॉमा जो c है वो फोर से बिलोंग कर रहा होगा, a कॉमा c, a कॉमा c भी बिलोंग करेगा किससे, r से। हमने पाया क्या, ए कामा बी विलोम टू आर कर रहा था, बी कामा सी भी आर कर रहा था, और हमने सिद्ध कर दिया कि ए कामा सी भी आर से विलोम कर रहा है, अतः दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। अध्ययन ये दिया गया संबंध, यह संबंध, यह संबंध संक्रामक है, ठीक है। ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। फिर बात आती है, दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है, तीनों संबंध है, इसका मतलब यह दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। यही तो प्रूफ करना था आपको कि सिद्ध करो कि यह संबंध तुल्यता संबंध है, तो मैंने सिद्ध किया कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो हम यहां नीचे लिख देंगे, बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस रिलेशन इज तथा संक्रामक है, संक्रामक है, अतः यह संबंध, अतः यह संबंध है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। इसका 9 का एक पार्ट और दिया है, जो रिलेशन ये r = a, b such that modulus of a - b 4 का गुणज है, ऐसे इसका b वाला पार्ट है। b वाला पार्ट क्या है, b वाला पार्ट है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका बी पार्ट है, बी पार्ट है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग टू सच दैट ए इज इक्वल टू बी, एक रिलेशन है। अब देखिए जैसे ए इज इक्वल टू बी लिया है तो पूरा मैटर ही क्लियर हो गया, तो क्या इसको भी सिद्ध कर लेंगे आप तुल्यता संबंध, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है तो कोई भी रिलेशन, अगर इसकी स्वतुल्यता की बात करें कोई भी अवयव स्वयं के बराबर ही होता है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है।
अब a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a भी तो होगा, अतः यह संबंध सममित है। अब a इक्वल टू b हो और b इक्वल टू c हो तो a इक्वल टू c भी तो होगा, अतः यह दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध है। इस प्रकार यह जो संबंध है तुलता संबंध है, क्योंकि ये तीनों संबंध इस नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने इसको बताया ऐसे इसको कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कीजिए आप। हाय फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ऐसे ही 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सबका एक एक उदाहरण आपको बताना है। ये इसका सबका उदाहरण अपना अपना अलग होता है, जैसे मैं एक एक उदाहरण सबका बता दे रहा हूँ, आप एक एक उदाहरण अपने मन से बनाएंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो, ऐसा उदाहरण आपको बनाना है। सोचिए अपने मन में ऐसा उदाहरण क्या होगा जो केवल सममित होगा परंतु न तो स्वतुल्य होगा और न संक्रामक होगा। सोचिए, आइए एक लिखते हैं। R is equal to equilibration है x और y में, x comma y में, such that सममित हो मतलब उल्टा हो, जैसे a b के साथ जो रिलेशन हो वही b का a के साथ रिलेशन हो, परंतु a का a के साथ ना हो न तो a का c के साथ हो, जैसे y y such that स्वतुल्य है। तो यहाँ लिखते हैं ये, इसको ऐसे बनाते हैं, y comma y संबंध है रेखा y, रेखा रेखा यल रेखा यम पर परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। ऐसा रिलेशन हो तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई रेखा है रेखा यल, ठीक, और एक रेखा है रेखा यम, ये रेखा यल है और ये रेखा यम, ठीक है। आप देखिए जो रेखा यल है रेखा यम के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो रेखा यल रेखा यम पर लंब है और रेखा यम भी तो यम पर लंब है, मतलब यल और यम के बीच का जो एंगल है वही यम और यल के बीच का भी एंगल है, मतलब यल यम पर लंब है तो यम यल पर भी लंब है, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये अपोजिट सत्य है, इसका मतलब ये जो दिया गया संबंध है वो सममित तो है। अब बात करते हैं क्या यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखिए, क्या रेखा यल यल पर लंब है, यल यल के साथ अगर रिलेशन बताया तो क्या रेखा स्वयं स्वयं के लंब नहीं होती है, बल्कि स्वयं के समांतर हो सकती है लेकिन स्वयं पर लंब नहीं होती है, इसलिए जो दिया गया संबंध है वह स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं क्या संक्रामक की, तो जैसे मान लीजिए तो रेखा यल है रेखा यम के साथ संबंध है, मतलब जो यल कामा यम है, यल कामा यन जो बिलोंग कर रहा आर से, ठीक। अब एक तीसरा रेखा लेते हैं, मान लेते हैं रेखा यन, रेखा यन, रेखा यन जो है वो यम पर लंब है, ये है रेखा यन, रेखा यन ये इस पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक। हमने क्या पाया कि रेखा यल कामा यम बिलोंग टू आर एंड यम कामा यन बिलोंग टू आर, मतलब यल यम पर लंब है, ये रेखा यम है और ये रेखा है यन, ठीक। यल यम पर लंब है और यम यन पर लंब है, तो क्या यल यम पर लंब है, मतलब ये जो कामन चीज है यम और यम इसको निकाल दें तो यल का यम के साथ, यन का साथ रिलेशन देखें तो क्या यल यम पर लंब है। देखिए, ये इस पर लंब था, ये इस पर लंब था, ये इसके पैरेलल हो गया, लंब नहीं है, मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब पहले का तीसरे का साथ जो रिलेशन है, मतलब यल कामा यम डजन बिलोंग टू आर, अतः ये जो संबंध है ये संक्रामक नहीं है। ये तो हो गया पहले का एग्जाम्पल, ये पहले का आंसर क्या आया कि एक एग्जाम्पल हमको लिखना है यल यम जो क्रमित युग्म है रेखा यल रेखा यम पर लंब है, ये तो हो गया पहले का उदाहरण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है संक्रामक हो मतलब अपोजिट हो परंतु न तो संक्रामक हो, मतलब तीसरे के साथ रिलेशन हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो, मतलब स्वयं के साथ रिलेशन ना हो और उल्टा भी ना हो, इसका कोई एग्जांपल बताइए, इसको नोट कीजिए। देखते हैं दूसरे का आंसर, सोचिए आप जल्दी से इसका एग्जांपल क्या होगा। मिल गया, आइए देखते हैं। संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो, तो ऐसा संबंध क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है वो दूसरे संख्या से छोटी है, संख्या एक है वो दूसरी संख्या से छोटी है, तो इसका स्वतुल्य के साथ रिलेशन बनाया, तो क्या कोई संख्या स्वयं से छोटी हो सकती है, नहीं, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है।
संख्या ए संख्या बी से छोटी है तो क्या बी ए से छोटी होगी? नहीं, बी ए से बड़ी होगी, अर्थात सममित भी नहीं है। संक्रामक की बात करें जिसे संख्या ए संख्या बी से छोटी है और बी सी से छोटी है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? ए, मतलब ए भी सी से छोटी होगी। आइए लिखकर समझते हैं, दूसरे का आंसर देखते हैं। आर इस पर तो संक्रामक हो, मतलब कोई संख्या है ए और बी, ठीक है, संख्या ए, ए और बी सच दैट ए इज लेस देन बी, लेस देन बी, अगर छोटा संख्या पर है, ए इज लेस देन बी, संख्या ए संख्या बी से छोटी है। अब इस पर बात कर लीजिए, क्या ये सतुल्य है? तो कोई भी संख्या ए कामा ए की बात करेंगे तो कोई संख्या ए ए से ही छोटी हो सकती है? नहीं, ये बात गलत है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो सतुल्य नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी वाला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, क्या ये संबंध सममित है? जैसे ए बी से छोटा है, मान लिया ए कामा बी, एक एग्जाम्पल लिया हमने, इसका मतलब निकला हमें कि ए जो है वो लेस देन बी है। इसी का उल्टा करें, B is not less than A. B is never less than A. मतलब B A से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार बड़ा है तो वही चीज छोटा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो B कामा A है वो doesn't belong to R. ठीक है? मतलब इसका मतलब ये सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक है कि नहीं, मतलब तीसरे का साथ रिलेशन है कि नहीं, आइए बात समझते हैं। संक्रामक A कामा B belong to R अगर ऐसे ऐसे दिया हो, कामा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब आता है इसी का दूसरा पार्ट है, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या कि जो बी है वो लेस देन है सी, ठीक है। अब तीसरे के साथ अगर यही रिलेशन निकल कर आता है, मतलब तीसरे के साथ भी ये फॉलो करता है, इसका मतलब संक्रामक है। आइए चेक करते हैं, हमने पाया जो बी है वो बी कॉमन है, इसमें इन दोनों में बी क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब बात करते हैं ए का सी के साथ रिलेशन, ए का सी के साथ रिलेशन, देखिए ए बी से छोटा है और बी यहां भी गया, फिर बी जो है सी से भी छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है? ए, और सबसे बड़ा कौन सा है? बी, और सबसे छोटा कौन सा हुआ? ए, मतलब ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी, और इसका क्रमिक युग्म बनाएंगे क्या मिलेगा? ए कामा सी विराम को आर, मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो स्वतुल्य हो तथा सममित हो, दोनों चीजें हो, स्वतुल्य भी हो तथा सममित हो, किंतु संक्रामक ना हो, मतलब तीसरे के साथ रिलेशन ना हो, बाकी स्वयं के साथ भी हो और अपोजिट हो, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। एक संबंध लिखते हैं आप, R is A comma B, sorry, इसको रोस्टर विधि में लिखते हैं। एक एक दिया है, एक दो दिया है, दो एक है और दो दो है, ठीक है, एक रिलेशन है। इसको हम सिद्ध करेंगे कि जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य है और सममित है, संक्रामक नहीं है। आइए इस पर विचार करें कि बात करते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए कि उसका स्वयं के साथ रिलेशन दिखना चाहिए, जैसे a इज इक्वल टू b, इसमें कितने अवयव दिख रहे हैं? दो प्रकार के अवयव, एक एक है और एक दो, दो प्रकार के अवयव दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें दोनों के साथ स्वयं का रिलेशन होना चाहिए। क्या ऐसा है? तो हमने देख रहे हैं यहाँ पर a a के साथ भी 1 1 का साथ रिलेशन है और 2 2 के साथ रिलेशन है, मतलब स्वयं के साथ रिलेशन है, मतलब a कॉमा a बिलोंग टू r इस संबंध में उपस्थित है, इसका मतलब जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य है, ठीक है। अब बात करें सममित के लिए, तो दो प्रकार के दिख रहे हैं, एक वन और एक टू, क्या वन कामा टू दिया है इसमें? हाँ हमने पाया, मतलब ए कामा बी बिलोंग टू आर है। फिर क्या बी कामा ए भी है इसमें? बी कामा ए देखें, वन कामा टू है, टू कामा वन भी है, हाँ है, इसका मतलब दोनों अपोजिट है, इसका मतलब जो दिया गया संबंध है वो सममित है। अब बात करते हैं क्या है संबंध संक्रामक है कि नहीं, तो संक्रामक होने के लिए हम चाहते हैं कि तीन अवयव कम से कम होने चाहिए, तो इसमें तीन अवयव है, इसमें देखा हमने तीन प्रकार के अवयव नहीं है, सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, एक a is equal to 1, b is equal to 2, ठीक है, c is equal to है नहीं, तो इसमें लिखेंगे तीसरा अवयव है ही नहीं, इसलिए जो संबंध है संक्रामक है नहीं, पहले ही फेल हो गया, ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, इसका मतलब क्या? आइए ये रिलेशन से सोचिए इसके बारे में, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो,
ऐसे लिखते हैं आर, आर इज इक्वल टू दिख तो रहा है, आर इज इक्वल टू मान लीजिए कोई रिलेशन लेते हैं ए कामा बी सच दैट बी भाज्य है ए से, या हमने कोई रिलेशन लिया ए कामा बी सच दैट बी भाज्य है ए से, कट तो नहीं रहा है, तो ये बताइए क्या दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। यदि इसका स्वयं के साथ रिलेशन होगा इसका मतलब ये स्वतुल्य है, अगर स्वयं के साथ रिलेशन नहीं शो करेगा इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। तो एक बात हो हम जानते हैं स्वतुल्य होने के लिए मतलब ए ए का साथ रिलेशन, ए ए की बात करें तो क्या ए भाज्य है ए से, इसका मतलब अगर ए ए का मान लिखे तो इस रिलेशन के अनुसार अर्थ इसका क्या निकलेगा, ए भाज्य है, ए भाज्य है ए से। एक बात तुम जानते हैं कोई भी संख्या हो स्वयं से विभाजित हो जाती है, कंफर्म, इसलिए जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा, क्योंकि कोई भी संख्या है स्वयं को भी विभाजित करती है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या है वो स्वयं को विभाजित करेगी, इसका मतलब ए ए को विभाजित करेगा, इसका मतलब जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य है, ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं संक्रामक है कि नहीं, सममित पहले बात करते हैं, सममित है कि नहीं, सममित के लिए मतलब क्या है, यदि सममित के प्रतिबंध क्या है, ए कामा बी बिलोंग टू आर हो इसका मतलब बी भाज्य हो ए से, बी भाज्य हो ए से, ये तो ठीक है, तो क्या ए भाज्य होगा बी से, बी से, तो आंसर आता है नहीं, क्योंकि यदि दो चार को विभाजित करती है तो चार दो को विभाजित नहीं करेगी, इसका मतलब जो अपोजिट वाला रिलेशन है विभाजित करने में वो सत्य नहीं होता है, इसका मतलब निकल कर आया क्या b कॉमा a doesn't belong to r, ठीक है ये बात है, a b कॉमा a doesn't belong to r इसका मतलब क्या है, जो दिया गया संबंध है वो सममित नहीं है, ये भी बात सही हो गया। अब आइए संक्रामक चेक करते हैं क्या दिया गया संबंध संक्रामक है कि नहीं, तो तीसरे के साथ रिलेशन दिखाएगा तो संक्रामक होगा, ये तीसरे के साथ रिलेशन नहीं दिखाएगा तो संक्रामक नहीं होगा, आइए चेक करते हैं इस पर, नोट कीजिए इसको, ट्रांजिटिव संक्रामक की बात कर लेते हैं, तो ए कामा बी बिलोंग टू आर यदि दिया हो और बी कामा सी भी बिलोंग टू आर दिया हो, यदि उससे निकल कर आए कि ए कामा सी बिलोंग टू आर है तो दिया गया संबंध संक्रामक है अन्यथा नहीं, ठीक है आइए चेक करते हैं। संक्रामक मान लीजिए इसमें कोई दो दो कंडीशन दिया है, एक ए कामा बी बिलोंग टू आर दिया है, इसका मतलब क्या निकलेगा, बी भाज्य है ए से, बी भाज्य है ए से, ठीक है बी भाज्य ए से, और सी और उसके बाद बी कामा सी लिखी मतलब सी भाज्य है ए से, तो क्या सी जो है ए से भाज्य होगा, हाँ होगा, देखिए सी भाज्य है ए से, ठीक है ये देखिए तीन संख्याएं ए बी और सी, इसमें जो बी वाला है ए बी को विभाजित कर देता है और बी सी को विभाजित कर देता है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ सी, तो ए भी सी को विभाजित करेगा, ये है इसलिए जो ये नियम जो है वो सत्य है, इसलिए जो दिया गया संबंध है वो क्या है, संक्रामक है, ठीक है। अब लास्ट वाले स्टेप पर विचार करते हैं, क्या सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य लेना हो, ठीक है ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल बताइए, तो ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल है आर, देखते हैं क्या है, इसका एग्जाम्पल है सममित तथा संक्रामक हो क्यों स्वतुल्य ना हो, मतलब उल्टा भी हो तीसरे के साथ रिलेशन हो तो ऐसे संबंध को हमको बताना है, तो जैसे मान लीजिए कोई तीन प्रकार के हैं ए बी है और सी है, ठीक हमें रिलेशन लिखा आर इज ए कामा बी सच दैट ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ए के साथ रिलेशन आएगा क्या, कोई व्यक्ति स्वयं का भाई होता है क्या, नहीं, इसका मतलब जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है। अब सममित की बात करें, जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी भी तो ए का भाई होगा, मतलब उल्टा ये रिलेशन हो रहा है, सममित हो रहा है, इसका मतलब ये संबंध सममित है। संक्रामक की बात करें, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, ए भी तो सी का भाई होगा, अर्थात जो संबंध है वो संक्रामक भी है। इस प्रकार थे ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 के इतने एग्जांपल हमने लिखा, और आप इसके एक एक एग्जांपल और अपने मन से करेंगे, ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है, सिद्ध करना है किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में आर एक तुल्यता संबंध है।